असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने आज एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी को आधुनिक काल का जिन्ना बताया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि भारत की आजादी के पहले जिन्ना जो भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज राहुल गांधी भी वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी भाषा जिन्ना की भाषा बन गई है। उन्हें भारत केवल गुजरात से बंगाल तक ही दिखता है। राहुल गांधी देखता है कि गुजरात से बंगाल में ही भारत है, तो ऐसा थोड़ा लास्ट 10 डेज से मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जो भाषा का प्रयोग कर रहा है, एक बार बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, एक बार बोलता है कि भारत का मतलब गुजरात से बंगाल, तो एक काल में उत्तराखंड में भी बोल के आया हूँ कि जिन्ना का भूत घुस गया है राहुल गांधी में। जो जिन्ना 1947 का पहले जो भाषा का प्रयोग करता था, अभी राहुल गांधी वही भाषा का प्रयोग करता है। एक प्रकार से मॉडर्न डेज का राहुल गांधी एक जिन्ना बन गया है। और वही उन्होंने कल उत्तराखंड में राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की सेना पर सवाल उठाने के कारण ही उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया था। हमारा जो आर्मी है, जवान है, ये लोग पूरा महीना भर प्लानिंग करता है कि आज हमको एनिमी टेरिटरी में जाके ये एक्शन हमको करना है, और ये स्ट्रेटेजिक एक्शन होता है। जब एक्शन हो जाता है, फिर प्रेस रिलीज इशू किया जाता है कि आज फलाना फलाना डेट में हम पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर मैं खड़ा होकर बोलता हूँ, भाई प्रूफ क्या है? तो आपका कितना पेन हो सकता है वो आर्मी पर्सनल का जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता या वो इन्वॉल्व है, उनका कितना पेन है वो हम समझ नहीं पाता हूँ। और हम उल्टा 2-3 दिन तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। तो इसीलिए थोड़ा काल में कांग्रेस को थोड़ा सा अपना कर्म को दिखाने का कोशिश किया, और मेरा अंदाज है सब अच्छा से देख लिया है। जितना मुझको ट्वीट वगैरह में गाली वो लोग दे रहा है, उससे मेरा मालूम हो गया कि मेरा मकसद सक्सेस हो गया है, आगे ऐसा वो नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने बोला था वही बात। समालोचना तो बात दियक, सबरे गात तो लागि गल नय, सब सकल के पिंसिंग कर दिले न शब्द इम्पर्टेन्ट। अरे राहुल गांधी मैं आक्रमण नक मरम करक आक्रमण नक मरम निकी, मैं तो कांग्रेस ना, गति के मैं तो आक्रमण नहीं राहुल गांधी। और इधर देश में चल रहे हिजाब विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को पहनावे से ज्यादा पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में दो तरह के मुसलमान हैं, एक धार्मिक मुसलमान और एक राजनीतिक मुसलमान। राजनीतिक मुसलमान देश में ध्रुवीकरण के जरिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिजाब कोई मुद्दा ही नहीं है। मुस्लिम स्वाली हिजाब ना लागे तो मुस्लिम स्वाली लागे কেনেকে ডক্টর হব পাৰো, ইঞ্জিনিয়ার হব পাৰো, কলেজত যাব পাৰো, ক্লাস কৰিব পাৰো, পৰীক্ষা দিব পাৰো, এটো এটা হিজাব বুলি এটা নতুন বিতর্ক এটা আৰম্ভ কৰি দিলে। আমাৰ আপোনালোকে যিসকলে কোরানৰ বিষয়ে জানে, কোরানত প্ৰথম শব্দটোৱে আৰম্ভ হৈছে শিক্ষাৰে, আৰু দ্বিতীয়তে কোরানে কৈছে যে শিক্ষা লবৰ কাৰণে আপোনালোক চাইনাটো যাব পাৰে। এতিয়া চাইনাটো চাইনাৰ নিয়মহে চলিব, অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ নবীয়ে কৈ গৈছে যে শিক্ষাটোহে মূল, শিক্ষা গ্রহণ কৰাটোহে মূল, শিক্ষা গ্রহণ কৰিব যাওঁতে কি পিন্ধি গৈছে এইটো মূল নহয়, জ্ঞানহে মূল। এতিয়া আজিকালি দুইবিধ মুসলমান মানুহ আছে, এবিধে কোরআন মানে ধর্মীয় মুসলমান, আনবিধ হৈছে পলিটিক্যাল মুসলমান। তেওঁলোকে সকলো কথাতে পলিটিক্স কৰে আৰু মুসলমান সমাজখনক তুষ্টিকরণের রাজনীতির বাবে ব্যবহার করে আছে। গতিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে প্রচেষ্টা যে মুসলমান সকলে তুষ্টিকরণের রাজনীতির পর উলাই আহক আর সমাজের মূল খুঁটির সুমাই পড়ক, সেইটাই আসল উদ্দেশ্য। হিজাব টিজাব আসল উদ্দেশ্য নয়।